एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। इसमें एक एक कर तमाम किसान नेताओं ने अपनी बात रखी। देखिए खेत तो यहां पर प्रकट किया गया है, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली हिंसा के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को भी ठहराया गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलते हैं, कपिल खाटियान किसान नेता, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राकेश टिकैत का वो बयान भी सुनवा देते हैं जो उन्होंने अभी दिया है। उन्होंने कहा है कि लाल किले में घुसने वालों पर गोली क्यों नहीं चलाई गई। राकेश टिकैत का देखिए आपत्तिजनक बयान भी सामने आया है, जो उनकी शैली है बयान देने की उस पर लगातार सवाल खड़े होते आए हैं। इससे पहले जो उनका वीडियो वायरल हो रहा था उस पर भी सवाल खड़े हुए थे, हालांकि एबीपी गंगा पर उन्होंने सफाई जरूर पेश की थी। अब एक और बयान जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है वो ये दिया है कि जो लोग लाल किले में घुसे उन पर गोली क्यों नहीं चलवा दी गई, दिल्ली हिंसा के लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। तो कल हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में बड़ी फूट। बीएम सिंह गुट और भानु प्रताप गुट आंदोलन से अलग हुए, दोनों गुटों ने किसान आंदोलन को खुद से अलग किया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो अभी अभी दोनों ही गुटों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को आंदोलन से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि हिंसा हमारा मकसद नहीं, हम तो किसानों के हक की लड़ाई के लिए आंदोलन पर बैठे थे, लेकिन जिस तरह से आंदोलन का जो रुख है वो गलत दिशा में आगे बढ़ा, तो दोनों ही गुटों ने आंदोलन से खुद को अलग कर लिया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो भानु प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कल की घटना से बेहद आहत हूं और दोनों गुटों ने किसान आंदोलन को खुद से अलग कर लिया। कल हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में बड़ी फूट, इस वक्त की बड़ी खबर। तो भानु प्रताप गुट ने कहा कि आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन चिल्ला बॉर्डर अभी खाली कर रहे हैं, जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है वो उसका हिस्सा नहीं है। सरकार से आगे बातचीत रखेंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक अपनी मांगों को सरकार के आगे रखेंगे और कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जो मौजूदा आंदोलन का स्वरूप गलत दिशा में बढ़ा है, इसीलिए दोनों गुटों ने खुद को आंदोलन का हिस्सा होने से अब पीछे कर लिया है, दोनों आंदोलन से पीछे हट गए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने यह कहा कि अब वो चिल्ला बॉर्डर खाली करेंगे, उन्होंने कहा कि वो अब इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है।